पठान मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए इतना तगड़ा वाला रौला काट के रखा है राजा कि जितने लोग जो है शाहरुख खान के करियर को खत्म बता रहे थे, दुनिया भर का ज्ञान फैल रहे थे, वो अब उल्टे ही उनको प्रेस करने लगे। भाई मानना पड़ेगा लोहा। मतलब सोचो, एक वो इंडस्ट्री जिसने पिछले साल जो है 200 करोड़ पे दम तोड़ दिया हो, हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर उसकी 257 करोड़ बनी हो और 2023 के स्टार्टिंग में ही उसको एक 300 करोड़ पिक्चर मिल गई सिर्फ 3 दिन के अंदर। और अगर हम हिंदी नेट की बात करें तो भाई साहब पठान पिक्चर ने अप्रॉक्सिमेटली 161 करोड़ रुपए सिर्फ 3 दिन से हिंदी नेट के अंदर कलेक्शन किया है, जिसका ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ होता है। और ये इतना ज्यादा इंसेन और क्रेजी है ना कि भाई साहब ये ट्रेंड केजीएफ चैप्टर 2 या फिर बाहुबली ने भी नहीं पकड़ा था। दैट मींस पिक्चर कहीं पर भी जा सकती है। चलो इसके एक एक कलेक्शन को अगर हम टैकल करते हैं तो इस मूवी ने हिंदी नेट से सबसे पहले दिन पर 55 करोड़, दूसरे दिन पर 68 करोड़ हॉलीडे था। भाई साहब सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये बॉलीवुड की पिक्चर के लिए। भले कितना बड़ा फेस्टिवल में रिलीज हुई पिक्चर हो, लेकिन इतना तगड़ा कलेक्शन आज तक किसी ने किया ही नहीं। और ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि इसको रिकॉर्ड को तोड़ता कौन है। 68 करोड़ सिंगल डे पर ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया। तीसरे दिन पर इस मूवी से कई सारे लोग प्रेडिक्शन लगा रहे थे, क्योंकि एडवांस बुकिंग 14 करोड़ के आसपास हुई थी। लोगों ने समझा कि आज इसका कलेक्शन 30 करोड़ या 28 करोड़ तो आ ही जाएगा। दैट मीन्स बहुत तगड़ा वाला ड्रॉप है। और नॉर्मल डे पर ये मूवीज ड्रॉप लेती हैं, चाहे वो केजीएफ चैप्टर 2 हो जाए या फिर बाहुबली। अगर 30 करोड़ भी आता तो लोग खुश हो जाते कि हाँ चलो ठीक है, ठीक ठाक बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट सबसे बड़ा ये आता है कि पिक्चर ने अपने तीसरे दिन पर फ्राइडे का दिन, ना कोई छुट्टी, वर्किंग डे है, फिर भी इस मूवी का कलेक्शन आता है तीसरे दिन पर 38 करोड़। और इसी के साथ ही पूरा मिला के हमारा नेट कलेक्शन 161 करोड़ हो जाता है। और ये जो कलेक्शन है ये सिर्फ हिंदी वर्जन का है, अगर इसमें तमिल और तेलुगु के वर्जन को जोड़ दें तो 4 से 5 करोड़ वहां से भी कमाए और पिक्चर का टोटल कलेक्शन बन जाता है 165 करोड़। और इंडिया ग्रॉस से पिक्चर 201 करोड़ रुपए कमाती है मात्र 3 दिन में। अब देखो, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आए कि ये नेट और ग्रॉस कलेक्शन होता क्या है, क्योंकि नेट कलेक्शन कम आ रहा है, ग्रॉस कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आखिर ये चक्कर क्या है। तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ सब्सक्राइब करो, मैं समझाता हूँ। ग्रॉस कलेक्शन मतलब वो कलेक्शन जिस पर ऑडियंस अपना पैसा स्पेंड करके टिकट को खरीदती है, दैट मीन्स उसमें कोई कटौती नहीं होती है। लेकिन जो नेट कलेक्शन होता है वो ग्रॉस से थोड़ा कम आता है, बिकॉज ऑफ कि उसमें गवर्नमेंट के टैक्स भी इंक्लूड होते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो 200 करोड़ रुपए अगर किसी पिक्चर ने कमाए हैं तो उसमें से अगर उसको 161 करोड़ नेट कलेक्शन है तो बाकी का पैसा ये गवर्नमेंट के खाते में गया होगा। यही नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब टैक्स पे करना वगैरह। खैर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस मूवी ने 112 करोड़ रुपए के करीब जो है कमाई की है। और इसी के साथ इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 313 करोड़ रुपए। कैन यू बिलीव इट, बॉलीवुड में आज तक कोई भी ऐसी पिक्चर आई ही नहीं जिसने 3 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। 300 करोड़ मतलब 3 दिन 300 करोड़ इन, ऐसे 4 दिन तक 400 करोड़ इन। अभी आज का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी अप्रॉक्सिमेटली 50 करोड़ के ऊपर जो है हिंदी नेट से कलेक्शन आएगा। और अमेरिका में तो इतना शॉकिंग कलेक्शन है, क्योंकि वहां तो कोई हॉलीडे था नहीं वेडनेसडे के मौके पर, तो इस मूवी ने अपने पहले दिन से ज्यादा तीसरे दिन कमाया है अमेरिका के अंदर, यानी वहां भी ट्रेंड काफी अच्छा खासा चल रहा है। तो दैट मींस इस पिक्चर का अब रुकना इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर मंडे को ये पिक्चर स्टैंड आउट अच्छा खासा करती है तो भाई साहब दूर नहीं है 400 करोड़ वाला क्लब, जब शाहरुख खान सर बॉलीवुड की पहली 400 करोड़ी पिक्चर देंगे। इस हिस्ट्री के लिए आप और हम सब लोग तैयार रहेंगे कि भाई साहब इतिहास कैसे बनाया जाता है। जब भी कभी बॉलीवुड की फिल्मों के कलेक्शन की बात आएगी तो एक चीज तो होगा कि पठान मूवी का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद ये वो फिल्म है जिसने बॉलीवुड को ऐसा दिखाया है भाई साहब मरे नहीं है, जिंदा है, बस हम टाइम पर एंट्री नहीं लिए थे, पिछले साल थोड़ा खाली गया तो तुम ज्यादा नौटंकी कर लिए, अब की बार हम दिखाते हैं कि बॉलीवुड असली पावर होती क्या है। और अभी तो शुरुआत है, शाहरुख खान साहब अगले कुछ 6 महीनों में जवान लेके आएंगे, फिर डंकी लेके आएंगे, अक्षय कुमार से की बड़े मियां छोटे मियां हो जाए, सलमान खान से की टाइगर 3 पिक्चर हो जाए, एनिमल हो जाए, कितनी ही सारी हमारे पास फिल्में हैं, भोला हो जाए, ये वो फिल्में हैं जो लोगों को दिखाएंगे कि बॉलीवुड की असली पोटेंशियल क्या है। खैर, पोटेंशियल से याद आया, अपनी भी थोड़ी बहुत पोटेंशियल बढ़ाने के नाते तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुमको जानकारी काम की लगी हो तो भाई प्लीज फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।